वैलेंटाइन्स डे, ये सुन के आपको क्या याद आता है? निब्बा निब्बी, प्रेमी जोड़े, प्यार के पंछी, दिल की कब्जी, मोहब्बत की सब्जी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कपल, ये सब। पर नहीं, रचना मौमी की जिंदगी में वैलेंटाइन्स डे का मतलब ही अलग है। वैलेंटाइन डे का? अरे यू वैलेंटाइन का हो बे। रचना मौमी, अपने बाजू में बैठे हुए टोमी से पूछो कि उसके एग्जाम कब है, टेस्ट कब आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा। और इस कोरियन पोकेमोन से ये पूछो, इसने तमीज क्या कमीज की बटन के साथ तोड़ के फेंक दी। माँ के गाल पे ऐसे तमाचे बजा रहा है जैसे पानी में पत्थर फेंक रहा होगा। चप चप चप। वैलेंटाइन डे का तो गिफ्ट चाहिए। कल है, कल बात करना। लाएगा ना मेरे लिए गिफ्ट? जिस उम्र में बेचारा वो है ना रचना मौमी, उसको अपनी चॉकलेट खाने के लिए भी अपने पापा के सामने घुटने रगड़ने पड़ते होंगे। वैलेंटाइन डे का गिफ्ट चाहिए, क्या लाएगा? फेल्ड मार्कशीट, क्योंकि पास तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि पढ़ने के टाइम पे तो ऐसी रील बना रहा था। ए, कितना अच्छा गाना चुना है। गाना और इनकी वीडियो दोनों एक जैसी है। इल्ली पिल्ली किल्ले पिल्ले हो, समझ ही नहीं आ रहा ना वीडियो समझ आ रही ना गाना। मोमी अलग कहीं भग रही है बच्चे से दूर, बच्चा अलग पकड़ के मोमी के साथ रिंगा रिंगा रोजिस कर रहा है। अरे हमें ये तो बता दो, मोमी कौन है, बच्चा कौन है इनमें? पहले मेरे 5 लाख फॉलोवर्स थे और जो मैं खो चुकी हूँ। यार ये तो सच में बहुत दुख की बात है यार, मतलब बहुत दुख हुआ यार मुझे उन 5 लाख लोगों के कमजोर दिमाग के बारे में सोच के। इतना कितना कम था कि रचना मोमी को फॉलो कर रहे थे। अगर किसी रचना को फॉलो करना ही था तो हमारी विवाह स्पेशल वाली रचना को कर लेते। थाम्बा, मैं बताता हूँ। इस फटी हुई कंबल से निकली हुई रस्सी को आदत है, शादी करने की बहुत देर हो गई, शादी नहीं करी है, उसी के झटके लग रहे, तड़प रही है, शादी करा दो थोड़ी सी। किससे? अरे देखो जरा इस थरक की नमकीन चप्पल को, पूछ रहा है किससे? अबे तू ऑलरेडी शादीशुदा, ये पूछ कि क्यों करनी है शादी? पर नहीं, किससे करनी बता, सबसे कर लूंगा मैं। आधी रात में भी इस कढ़ाई के टूटे हुए हत्ते से अगर बोलोगे ना कि उठ के शादी कर ले, आधी आँख खोल के नींद में शादी कर लेगा, पूछेगा भी नहीं क्यों हो रही, किससे रिक्वेस्ट करवा दो इसकी। मेरी फ्रेंड से खाली से। तो किस बात की देरी है, ठीक है जल्दी चलो। जी हाँ, मेरा तो जोर जोर से मन कर रहा है शादी करने का। अरे मेरा भी बहुत जोर से मन कर रहा है, तीनों को मिक्सर में डाल के जोर से घुमा दो, घिन मिलन हो ही जाए, परमानेंट एकदम फुल स्टॉप। रोज रोज की शादी से तो फुर्सत मिले। और ये पंडिताई ने कही कि चलो मैं शादी करवा देती हूँ, इसको दो का पहाड़ा याद नहीं होगा, शादी के मंत्र बड़े याद है। यार बहुत टाइम हो गया शादी किए हुए, किसी दिन शादी करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? आप और हम जैसे लोग सोचते बहुत दिन हो गए फुल्की नहीं खाई, बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए, ये पतली डाल में लटकी हुई छोटी इमली, इसको शादी करनी होती, बड़े दिन हो गए शादी नहीं करी इसकी माँ का। बहन मैं बताता हूँ तुझे, वहीं पीछे देख ले कहीं कुत्ता बिल्ली घूम रहे होंगे, और अगर ना मिले तो घोड़ा ढूंढ के उससे शादी कर ले, क्योंकि उसकी पूंछ का कलर तेरे बालों से एकदम मैच होता है। और हाँ एक काम की बात, आज मेरे दोस्त आर्यन ने मुझे एक मैसेज किया था, जो कि ये आईटी एंटरप्रेन्योरशिप होती है ना, जो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है, और ये अपने सोशल मीडिया को भी बहुत अच्छे से हैंडल करता है, और उसने वहां पे मुझे एक ऐसी बेड का प्रपोजल दिया जिसको मैं मना नहीं कर सका। तो मैंने हाँ कह दी, बस सब कुछ फेयर हो, और मैंने हर चीज का वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था, क्योंकि ये बेड शुरू से ही आर्यन के लिए प्री डिटरमाइंड थी। अभी एविएटर गेम में घुस गया हूं और आर्यन का सॉफ्टवेयर चला रहा हूं, मैं अभी से 6 राउंड के सारे फ्यूचर ऑर्ड देख सकता हूँ। मेरे अकाउंट में 2000 रुपए, अगर मैं उन्हें जीत लेता हूँ तो आर्यन को मुझे 20,000 रुपए देना होंगे। अब ऑर्ड 656 है तो मैंने उस पर बेट लगाऊंगा, वेट करो। और मैं जीत गया, देखो सच में 522 पर गिर गई है और मेरे अकाउंट में 11,050 रुपए भी आ गए हैं। लेकिन एक सेकंड, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर पर 738 के ऑर्ड्स का वेट किया और इस बार मैंने 7,000 रुपीज लगाए हैं। अगर मैं अब जीत गया तो ये मतलब है कि सॉफ्टवेयर सच में काम करता है। चलो गेम शुरू करते हैं, वेट करो। और मैंने फिर से जीत लिए, रॉकेट सच में 738 पर गिर गई है। यस, ओह माय गॉड, वाओ, अब मेरे अकाउंट में 42,880 रुपए आ गए और मैंने शुरुआत 2,000 रुपए से की थी। सो मैंने अभी विड्रॉल किया था और मेरे अकाउंट में इतनी जल्दी पैसे आ भी गए। और इस जीत के बाद मैंने आर्यन को मैसेज किया कि मुझे कुछ भी नहीं देना होगा, लेकिन अब मैं बैठ हार गया हूँ, तो इसलिए मैंने खुद से बताया कि सॉफ्टवेयर को फ्री में कैसे पाया जा सकता है। तो इस सॉफ्टवेयर को पाने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करना है, वहां से आप आर्यन के टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहां ऊपर पिंड मैसेज में आपको टेक्स्ट मी का बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर आपको लिखना है आई एम फ्रॉम रजत। तो मैं इस चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप आर्यन के टेलीग्राम चैनल को देख सकते हैं, उनका कंटेंट देख सकते हैं और आर्यन के बारे में जान सकते हैं। तो चलो आर्यन के टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। ओके।
ऐसा कौन सा बच्चा रोता है? अबे ऐसे कुत्ते का बच्चा भी नहीं रोता कुकू करके। किसका बच्चा उठा लाया तुम इंसान का बच्चा समझ के? कौन से स्कूल का नाम बदनाम कर रहे हो भाई? प्राउड नवोदयन, पर नवोदय स्कूल आप पर बिल्कुल प्राउड नहीं है। ठरक्की चक्की जी, लक्की जी, शिफाली वो रहा बच्चा, तुम यही रहो, मैं उसको लेके आता हूँ। और ये मेरा बच्चा, चुप हो जा मेरा बेटा। सुनो, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अपने गोद में उठाने की? आप कौन है और आपने अपने बेटे को ऐसे अकेला क्यों छोड़ा है? ये सब छोड़िए, आपने मेरे बेटे को गोद में उठाया, आपको अब इसका पापा बनना पड़ेगा। ये क्या बोल रही हैं? हाँ, मैं आजमा रही थी इस बच्चे को माँ का प्यार कौन दे सकता है। अच्छा हुआ लक्की जी ने ही उठाया, अगर शिफाली आके उस बच्चे को उठा लेती तो वो उसको ही अपने बच्चे का बाप घोषित कर देती। अब तो शिफाली से शादी करूंगी मैं। पर एटलीस्ट ये लोग लड़की लड़की की आपस में शादी नहीं करवाते अपने विवाह स्पेशल में, कभी नहीं करवाते ना, नक्को बिल्कुल नहीं। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो? आप इसमें शादी कर रहे हो? अर्ज किया है, ऐसी हरकतें अगर मैं करूं तो मेरी माँ मुझे खूंटे से बांध दे। ऐसी हरकतें अगर मैं करूं तो मेरी माँ मुझे खूंटे से बांध दे। बहन अगर वीडियो बनानी नहीं आती तो जा और जाके अपनी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ओके। तो क्या करें माँ, अब तुमको कोई लड़का भी नहीं मिल रहा है तो किससे शादी करें? तो हम दोनों ने सोचा हम आपस में शादी कर ले। अरे आंटी जी कर लेने दो, जिससे कर रही है आप निकल जाओ पतली गली से वहां से, वरना आप पे नजर पड़ गई तो ये चाउमीन की दोनों बरियों को सिर्फ शादी करने से मतलब है। ये माँ बहन भाई पति रिश्ते देखती नहीं है भाई, मतलब मेरे को तो ये समझ नहीं आता इन लोगों को ये सब सिखाता कौन है कि आज तू मुझसे शादी कर ले, कल मैं उससे कर लूंगी, परसों अपन तीनों कर लेंगे, उसके बाद लक्की जी के पापा, इनकी मम्मी, उनके चाचा चाची रिश्ते आपस में घोल मेल के खिचड़ी बना देंगे। भाई इनकी जिस दिन असली शादी होगी इनको तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा, जिंदगी भर से तो प्रैक्टिस कर रहा है शादी की। बिल्कुल लक्की जी, जब दो लड़कियों से और उनकी मम्मी से थोक में विवाह कर लेते हो, शादी स्पेशल विवाह स्पेशल रचा लेते हो, तब तो शर्म आती नहीं, अब बड़ी शर्म आ रही है। ये वही लोग हैं जिनको दूसरों के सामने कपड़े बदलने में तो बड़ी शर्म आती है, पर अपना नंगा पिछवाड़ा लेके किसी भी ट्रेन की पटरी पर बैठे मिल जाएंगे तुम्हें फुल मजे के साथ। थोड़ी तो शर्म कर ले रहे, शर्म वर्ड अपने मुंह पे लाने से पहले। रचना मुझे वो लड़की पसंद आ गई है, मुझे उससे भी शादी करनी है। मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? अरे हाँ यार, बेचारा हलवा ही तो मांग रहा है शादी के बाद अपनी बीवी से, इतना नहीं कर सकती अपने पति के लिए? पगले ठरकी जी, जितना ठरकी यह आदमी है रियल लाइफ में लड़कियां इसको देख के दूर से चिल्ला चिल्ला के भाग लेती है, लक्की जी आ गए, लक्की जी आ गए। पता लगा इसकी परछाई भी किसी पे पड़ गई, उसको शादी मान के उसके पल्ले पड़ जाए। मेरी तो शादी हो चुकी है देखो आपसे। और लक्की जी अब ये विवाह का गाना बजाना बंद कर दीजिए, आपके लिए मैंने स्पेशल गाना लिखा है। तीन फटी चर फटी चड्डी चले बर्बाद करने इंस्टा, हाय रे होने लगी सबको चीड़न कि सब मिलकर इनको गाली दे गाली दे गाली दे कि सामने मिले तो इनमें बजा भी दे। अरे आप लोग आ गए, हम लोग आ गए, चाय नाश्ता है क्या आप लोग के घर पे? नहीं कुछ खाने को तो नहीं है, कुछ तो होगा खाने में, घर में कुछ भी नहीं है, कम से कम लड़की को तो बुला दीजिए। ठीक है ये रही मेरी लड़की, ये तो लड़का है। अच्छा हुआ उस ठरक में डूबे हुए अंधे मेंढक को दिख गया कि वो लड़का है, इससे शादी नहीं करनी है, वरना मुझे लगा था आग बंद करके उसको भी पकड़ के अपनी शादी विवाह मंडली स्पेशल में जोड़ी लेगा। लड़की कहाँ है? नहीं नहीं ये लड़का नहीं, लड़की है, ये लड़की नहीं ये लड़का है। अरे नहीं बाबा ये लड़की है। मतलब सोचो आपका दोस्त आपको बुला के ले जाए कि चल भाई वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में चार पांच लोग मिलके आपका जेंडर डिसाइड कर रहे हैं, ये लड़का है नहीं ये लड़की है, और वो भी चुपचाप शर्मा रहा खड़े हो कि क्या इंतजार कर रहा है कि वो बता दे तेरे को कि तू लड़का है या लड़की, आज पता चली जाए लड़का हूँ या लड़की। मैं बताऊँ भाई तू गधा है जो इनकी वीडियो में आया। भाई साहब मुझे तो अब इन लोगों से बोलने में भी डर लगता है कि पता लगा मैं बोलूं कि वीडियो में गधा दिखा देता है तो वो पगला उससे भी शादी कर लेता, पता लगा मेरी बात से आइडिया लेके अगली वीडियो में गधे की पूंछ से बांध दे लक्की जी को। वैसे बांध देना, मेरे को तो मजा आएगा देखने में। सुनिए तो लक्की जी, मिल गया मेरा होने वाला जीवन साथी, अब मैं इसको ब्रश करवाऊंगी और इससे शादी भी करूंगी। लक्की जी पता नहीं आपने लास्ट टाइम ब्रश कब किया था, आपको ब्रश करना पसंद नहीं, कम से कम ये दांतों तक नहीं रखिए। अरे बहन तुम क्यों उसके पीछे दांतून लेके घूम रही हो, नीचे डामर की सड़क है, मुंह खोल के डामर की सड़क पे ऐसे तीन बार रगड़ दे, ना रहेंगे दांत ना रहेगा मुंह ना होगा ब्रश, टेंशन ही खत्म। प्लीज लक्की जी मेरे लिए दांतून कर लीजिए। बोला ना नहीं। अच्छा सुनिए जी आपको प्लीज आप अपना ब्रश लेके चले जाइए, ये दांतों नहीं करते तो ब्रश क्या करेंगे? नहीं रचना अब मैं ब्रश करूंगा, बस मुझे एक ब्रश देने वाली चाहिए और एक करवाने वाली। अरे लक्की जी एक और ढूंढनी पड़ेगी जो सुबह सुबह धुलाने ले जाए इस हगरे बच्चे को। अबे तू आदमी है या डायपर में पड़ा हुआ नंगा बच्चा, और एक तरफ ये काली लिपस्टिक लगा के दो ब्रश बेचने निकली है, ये दो ब्रश भी खरीदने के लिए बेचारी ने शायद अपना दिमाग बेच दिया था। तो बताइए आप मेरे पति से शादी करेंगी, उनको
ब्रश देंगी? बिल्कुल, तो चलिए लकी जी, शुभ मुहूर्त निकला के आप दोनों की थोड़ी सी शादी करवा देती हूँ। मेरी मानो थोड़ा सा जमाल घोटा लेके बाथरूम में डाल के खुद को फ्लश कर लो, झंझट ही खत्म हो जाए। और जितनी ये थोड़ी थोड़ी तुम लोगों ने शादी कर ली है, इतना थोड़ा थोड़ा करते तो आदमी का सिलेबस खत्म हो जाता है, तुम लोगों की शादी खत्म नहीं हो रही। अभी फिर बजा देंगे, क्या बोले क्या बोले, मैं बताऊँ क्या बोले। देखो जरा, बोल तो ऐसे रहिए जैसे आज कुछ नया हो रहा होगा। वो चील के मुंह में पड़ा हुआ जीरा रोज तो रिश्ता लेके आ जाता है, हैं? और आज ये स्क्रिप्ट में एक्स्ट्रा ठुमके किसने डाल दिए? अर्ज किया है, शादी को बना दिया है मजाक लगा के ठुमके, शादी को बना दिया है मजाक लगा लगा के ठुमके, किसी दिन ऐसे तमाचे पड़ेंगे कि गिर जाओगे घूम घूम के। रचना पता नहीं किसकी आवाज थी, लेकिन जिसकी भी हो मुझे से प्यार हो गया यार। यार मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इनकी कॉलोनी में जो गोलगप्पा बेचने वाले, फुल्की वाले और आइसक्रीम वाले और ये जो भी सब फल फ्रूट बेचने वाले आते हैं, ये आते भी होंगे कि नहीं आते? और अगर आते हैं तो ये अपनी इज्जत कैसे बचाते होंगे थरक की पतली चटनी से? सबसे तो शादी करनी है इसको। कितना टुच्चा दिल है तुम लोगों का, और आवाज सुनने में ऐसी लग रही है जैसे कुतिया की पूंछ पर किसी ने पैर रख दिया। आप कौन? मुझे भी ऐसी प्यारी आवाज निकालना सिखाओगे? हाँ ये अच्छा आइडिया हो, फिर दोनों मिलके कबाड़ा बेचना और अपने ठेले का नाम रखना। ओए ठहर की जोड़ी। बेटा तेरा कोई पार्सल आया है? आखिर इतने इंतजार के बाद मेरा पार्सल आ ही गया। सर ये रहा दोनों आपका पार्सल। अरे भाई लेकिन मैंने तो एक ही पार्सल मंगवाया था। अरे सर वो शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। अरे बेटा ये कौन है? वो मम्मी शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो मैंने अपने लिए दुल्हन ऑर्डर किया था, लेकिन इस समय ऑफर चल रहा था बाय वन गेट वन फ्री, इसलिए दो आ गया। ठीक है मैं तब तक मैं इन दोनों का अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। दुल्हन ऑर्डर कर ली, बाय वन गेट वन में एक एक्स्ट्रा फ्री भी मिल गई। भाई तुम लोग ये कौन से भैंस की पूंछ से स्क्रिप्ट लिख रहे हो, है? सोच समझ भी रहे हो कि क्या लिख रहे हो, ये कौन कर रहे है? सुबह ब्रश करते वक्त मंजन मुंह में घुसा रहा, नाक वाक में डाल दिया, टूथपेस्ट चढ़ गया क्या दिमाग पे? और एक तरफ ये है अपने पति के साथ ऐसी वीडियो बनाती है कि देखने में ऐसा लगता है कि पति तो काम पे चला गया और मैडम जी नौकर के साथ वीडियो बना रही हैं। अरे बस भाई ऐसा लग रहा है वीडियो बनाने से पहले ही डरा देगा क्या गलत कमेंट करने वालों को? नहीं कर रहा है भाई गलत कमेंट, सब गलत कमेंट करने वालों ने पहले ही अपने पेंट में मूद दिया। तू नॉर्मल हो जा बस, ऐसे खड़ा रहता है जैसे कि अभी अभी लाश को बर्फ में से निकाल के लाए। और एक तो इसको कभी कभी वीडियो में शो पीस की तरह खड़ी कर देती है बेचारे को, ऐसा तना हुआ खड़ा रहता बस। यार कितना मजबूर हो गया यार एक आदमी ऐसे काम करने के लिए, मतलब उस बेचारे शर्मीले को बीच में बस खड़ा कर दिया अकड़ के, खड़ा हुआ ऐसा ऐसे ही खड़ा रहता था मैं भी जब मुझे नींद में से उठा के बोलते थे कि चलो फैमिली फंक्शन में जाना है। क्या हो रहा है क्या हो रहा है? बाकी दोस्तों अब तो मैं खुश रहता हूँ क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो लाइक कर देते हैं, तो ऐसे ही मेरी खुशी के लिए प्लीज वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, फेवरेट पार्ट कमेंट कर दें। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ दोस्तों आपको याद दिलाता हूँ, आपको भूलना नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से अभी आर्यन के टेलीग्राम चैनल पर जाएं और सॉफ्टवेयर को फ्री में पाने का मौका ना छोड़ें। और वहां पर जाके आपको बस ये बताना है कि आप मेरी तरफ से। बाकी तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे उस सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने 2000 से 46,000 रुपए तक कमा लिए। तो इस सॉफ्टवेयर को अभी टेलीग्राम चैनल पर जाकर हासिल करो और अपनी इनकम को रोज 5 से 10 गुना बढ़ाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आज ही शुरू करो। टाटा बाय बाय। मम्मी दुल्हन ऑर्डर कर रहा हूँ ऑनलाइन। क्या मतलब दिमाग ऑर्डर कर लूँ, उसकी ज्यादा जरूरत है।